हेलो चो, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 30 जनवरी शिफ्ट टू का क्वेश्चन है ये। एज शोन इन द फिगर, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू इन थ्री डिफरेंट रीजन्स, वन टू एंड थ्री, इज गिवन बाई। फर्स्ट रीजन बोल रहा है कि जो पॉइंट है जहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लेस देन इनर रेडियस है। सेकंड बोल रहा है कि लेस देन, ग्रेटर देन इनर रेडियस बट लेस देन आउटर रेडियस। थर्ड बोल रहा है कि ग्रेटर देन आउटर रेडियस। ओके, अब देखिए यहाँ पर ना जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा कंडक्टिंग पार्ट है ये, है ना। और ये जो पार्ट है ना, ये पूरा हॉलो पार्ट है, मतलब इसमें कंडक्टिंग नहीं, पूरा हॉलो पार्ट है, कंप्लीट खाली है। ठीक है, तो अब हम लोग को जो बताना है वो फील्ड बताना है यहाँ पर, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन में। तो फर्स्ट रीजन में देखूं अगर मैं, तो यहां पर चार्ज इंड्यूस होगा। अगर इसकी बात करें हम लोग, तो अगर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है तो इनर सरफेस के इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज यहां पर इंड्यूस होगा। ठीक है, एंड जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस अंदर में नहीं होता, मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है। जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये अगर कंडक्टर है ना, तो इस पे तुम अगर चार्ज दोगे, ठीक है, तो वो सारा चार्ज कहाँ होगा, इसके आउटर सरफेस पे होगा, अगर तुम पॉजिटिव चार्ज इस पे देते हो तो। मतलब कंडक्टर के अंदर में चार्ज स्टोर होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि इस रीजन में कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। इस रीजन में कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसके इनर फेस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और आउटर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आउटर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आउटर पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब अगर तुमसे बोला जाए कि ठीक है, तुम बताओ कि यहाँ पर फील्ड कितना होगा, तो क्या करोगे कि इनर के लिए, अब अंदर वाले पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर पूछा जाए, तुम ऐसे इनक्लोज करोगे, तो इनक्लोज करोगे तो फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस का यूज़ करोगे, गॉसियन फॉर्मूला का। तो गॉसियन फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहाँ पर क्यू इनक्लोज्ड 0 है? क्यू इनक्लोज 0 है क्या? क्यू इनक्लोज तो 0 नहीं है ना, क्योंकि अंदर में कैपिटल क्यू मिल रहा है, तो कैपिटल क्यू यहाँ पर मिल रहा है, मतलब क्यू इनक्लोज 0 नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर मतलब हम लोग बोलेंगे कि रीजन वन में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं मिलेगा, बट रीजन टू में आए अगर हम यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर आप देखें इनक्लोज करके, है ना, तो इस वाले रीजन में अगर आप देखेंगे इनक्लोज करके यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, तो इस बार 0 मिल रहा है। क्यों 0 मिल रहा है इस बार? क्योंकि यहाँ पर जितना नेगेटिव, क्योंकि जितना ही पॉजिटिव है ना, उतना ही नेगेटिव यहाँ पर इंड्यूस करता है, तो यहाँ पर इस बार इनक्लोज्ड जो चार्ज मिलेगा सेकेंड रीजन के लिए, वो 0 मिलेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो इनक्लोज्ड चार्ज 0 मिलेगा। और अगर इनक्लोज्ड चार्ज 0 मिलेगा, तो फिर रीजन टू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। रीजन टू में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, है ना। अब अगर हम लोग आउटर रीजन में आए, तो आउटर रीजन में यहाँ पर देखिए, इस वाले रीजन में, अगर इस रीजन में आप चलेंगे यहाँ पर ऐसे, तो इस बार आपको 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए रीजन ये नहीं मिलेगा क्योंकि ठीक है, ये पॉजिटिव इनक्लोज हो रहा है, उतना ही नेगेटिव इनक्लोज हो रहा है, बट फिर से पॉजिटिव इनक्लोज हो रहा है ना, ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्यू इनक्लोज जो मिलेगा वो क्यू माइनस क्यू फिर प्लस क्यू, क्योंकि आउटर में पॉजिटिव, इनर सरफेस पे नेगेटिव, ठीक है, और सेंटर पे पॉजिटिव। ओके, तो ये यहाँ पर 0 हम लोग को नहीं मिल रहा, मतलब फिर से चार्ज 0 नहीं मिल रहा है ना। तो सेकेंड रीजन में चार्ज 0 मिला, इसलिए फिर 0 हो गया, ठीक है। थर्ड रीजन में चार्ज 0 नहीं मिल रहा, इसलिए थर्ड रीजन में यहाँ पर फील्ड 0 नहीं होगा। तो फर्स्ट रीजन में फील्ड 0 नहीं होगा और थर्ड रीजन में 0 नहीं होगा, सेकेंड में 0 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।